Good morning. You're watching the morning news on CNN News 18. This is Anjali Pandey. We have some breaking news coming in. Shocking Ghaziabad parking murder case. Ghaziabad police have arrested the prime suspect and main accused, Chiranjeev Sharma, in the murder case. Accused was shot in the leg. Cops are trying to nab other suspect also. Cops took Chiranjeev where car was dumped, which was used in the incident. Remember, on Tuesday, a 7-second video of the incident captured by passengers in a passing car went viral. The video showed the man lying on the road and one of the suspects repeatedly hitting him in the head with bricks. So, shocking Ghaziabad parking murder case. Ghaziabad police have arrested the prime suspect and main accused in the case. बिहारी ढाबे के सामने एक व्यक्ति को ईंट से कुचल करके हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में एक वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो वायरल के माध्यम से हम लोगों ने चिरंजीव शर्मा, इसको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई गई थी। आज टीला मोड़ पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पूछताछ में इसने बताया कि गाड़ी पार्किंग को लेकर के वहां इससे विवाद हुआ था और विवाद बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचा था कि ये इसने ईंट से कुचल करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके दो साथी इस घटना में और थे। उपनिरीक्षक सुभाष की सर्विस पिस्टल लेकर के भागने लगा तो इसने जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। माय कॉलीग रोहित सिंह इज जॉइनिंग अस फॉर मोर डिटेल्स ऑन दिस। रोहित जी, इस केस में और क्या क्या डिटेल्स सामने आई है, क्या बताएंगे? बिल्कुल, ये 25 अक्टूबर 2022 रात्रि 9:15 बजे के तकरीबन की ये घटना है बिहारी ढाबे के सामने। इसमें 7 सेकंड का वीडियो भी आया था। वीडियो अपने आप में झंझोर देता है कि जिस तरीके से ईंट से कुचलकर हत्या कर दी जाती है और मामूली सी बात पर पार्किंग विवाद को लेकर राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी वरुण उफ अरुण, जो पास के ही जावली गांव का रहने वाला था, थाना टीला मोड़ क्षेत्र की घटना थी और ईंटों का प्रहार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद ये वीडियो काफी वायरल हुई और पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मेरठ और बागपत में दबिश दी। इसमें जो नाम निकल कर आया था कल्लू पंडित, चिरंजीवी शर्मा उफ कल्लू पंडित, जो पास के ही राजपुर निवासी था, जो थाना टीला मोड़ क्षेत्र में ही आता है। मृतक के पिता ने भी आरोप लगाया था, जो दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा है। इसके बाद पुलिस ने दबिश दी और दबिश के बाद कल्लू को तकरीबन 27 अक्टूबर को 9:15 बजे करंगेट चौकी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान चिरंजीवी शर्मा उफ कल्लू पंडित ने बताया कि मामूली सा पार्किंग विवाद था, इसको लेकर 10 मिनट तक सड़क पे झगड़ा भी चला। हैरानी की बात यह है कि ये जो रोड है भोपरा लोनी रोड 24 घंटे चलती है, बड़े बड़े वाहनों की आवाजाही रहती है, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई इन्हें छुड़वाने के लिए, आपसी विवाद को समाप्त करने के लिए। और विवाद इतना बढ़ गया, जो वरुण के साथी थे दो फरार हो गए थे, भाग गए थे इस झगड़े को देखते हुए, और इसमें जो कल्लू पंडित ने इसने ईंटों से मारकर इसकी हत्या कर दी थी और इसके बाद ये फरार हो गया था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में हिंडन नदी पुल के पास जो बनेड़ा जो स्थित जगह है वहां पर इसने अपनी गाड़ी छुपाई हुई थी, जहां पर पुलिस इसे लेकर गई और उस गाड़ी को बरामद किया। अचानक तभी चिरंजीवी शर्मा ने, जो पुलिस अधिकारी है, उसकी सभी पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। आनंद फानंद ने पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया और उसने आत्मरक्षा में पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में गोली चला दी। कल्लू पंडित ने भी वहां से गोली चलाई थी। वहीं इसमें केस में यही निकल कर आया है कि ये जो चिरंजीवी शर्मा है ये पहले से ही आरोपी है। इसके थाना साहिबाबाद में भी कई अभियुक्त पंजीकृत हैं, पहले से इसका आपराधिक इतिहास रहा है, तो इस लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पहले से एक अपराधी रहा है और इसने एक निर्मम हत्या कर दी। पुलिस को गाजियाबाद के उन गुंडों की तलाश थी, उन कार गैंग के गुंडों की तलाश थी जो इस युवक की हत्या की थी, और इस युवक की हत्या के बाद से ही पुलिस पे सवालिया निशान खड़े हुए थे। पुलिस मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार किया, जिसके पैर में गोली लगी और इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अभी दो साथी और फरार चल रहे हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बागपत और मेरठ में भी दबिश दी जा रही है इसको लेकर। वहीं पुलिस ने जो आरोपी है कल्लू पंडित चिरंजीवी शर्मा उसको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इनका जो विवाद था वे पार्किंग विवाद को लेकर था। आपस में गाड़ियां दोनों की लगी हुई थी कि निकल नहीं पा रही थी एक की गाड़ियां, इस कारणवश यहां पर झगड़ा हुआ और इसको लेकर ही इसकी हत्या कर दी गई निर्मम तरीके से, जो एक राष्ट्रीय
खिलाड़ी था कुश्ती का, उसकी एक निर्मम हत्या कर दी गई। वह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ये लगा लीजिए राष्ट्रीय खिलाड़ी है, देश के लिए मेडल भी लाता, लेकिन इस तरीके से एक निर्मम हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद पुलिस पर सवाल या निशान थे कि आखिरकार ये बिहारी ढाबे के पास इतना बड़ा झगड़ा हुआ, और पुलिस ने इस पर तुरंत नहीं पहुंची, ना ही किसी ने जहमत उठाई कि पुलिस को इत्तला की जाए और सूचना दी जाए। मृतक के पिता पुलिस पर सवाल या निशान खड़े कर रहे थे लगातार कि वह जो लड़का है कल्लू पंडित वह पास के गांव का रहने वाला है, उन्होंने पहचान कर ली थी, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। लेकिन पुलिस ने इसके बाद जब वीडियो ज्यादा वायरल हुई और सवाल या निशान खड़े होने लगे तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी के बाद उसने भागने का प्रयास किया और भागने के प्रयास में मुठभेड़ में वह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पे पहले से ही आपराधिक इतिहास रहा है, इसमें वांछित चल रहा है 147-148, इस पे कई मुकदमे पहले से थाना साहिबाबाद में दर्ज थे और थाना टीला मोड़ क्षेत्र में भी इस पे आपराधिक इतिहास में दर्ज हुआ है। जो इनकी गाड़ी थी, सेलियो कार गाड़ी थी, वह भी पुलिस ने बरामद कर ली है और अब जो इसके फरार साथी है उनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। जी जी।